कैसे हो आप सब। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो फिलहाल में आज हम लोग का बिहार एक्सप्लोरिंग का 9वां दिन है और आज हम लोग रुके हुए थे कहलगांव में। कल आपने देखा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, और जिसे खंडर भी बोल सकते हैं, उसका व्यू। आप लोग का व्यू कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। भागलपुर का पूरा सीनरी हो। तो फिलहाल में गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं बाबा अजगैबीनाथ, जो सुल्तानगंज में पड़ती है, और यहीं से गंगा जी उत्तर वाहिनी के रूप में हो जाते हैं। और ये मेन रूप बात है कि जब कांवर यात्रा होती है, देवघर के लिए जल चढ़ाने जाते हैं, तो इसी स्थान से लोग यहाँ से जल भरकर बाबा की नगरी देवघर में जाकर जल अर्पण करते हैं। तो चलिए आज बाबा का अजगैबीनाथ का दर्शन कराते हैं और खूबसूरत सा ड्रोन व्यू भी दिखाते हैं। तो फिलहाल में गाइस अभी हम लोग हैं बिहार एक्सप्लोर में, बिहार आर्ट में। तो फिलहाल में देख सकते हैं ये रहा अजगैबीनाथ नगर, जिसे सुल्तानगंज नगर से नाम से भी जाना जाता है। अब ये पीछे देख सकते हैं ये रहा गंगा घाट, और ये गंगा घाट देखें, यहाँ उत्तर वाहिनी के तरफ से गंगा जी प्रवाहित होते हैं, और कंवरिया लोग सावन के मंथ में बाबा बैजनाथ के जल चढ़ाने के लिए यहाँ से जल अर्पण करते हैं, और यहाँ से पैदल ही कांवर लेकर जाते हैं बाबा बैजनाथ के जल चढ़ाने के लिए। और ये सुंदर सा घाट देख सकते हैं, पीछे जो फूल देख रहे हैं ये हवा में कुछ टाइम पहले उड़िया गया था, एक बार नहीं दो बार उड़िया है, इंजीनियरों का माया है। हम भी तो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन हटाइए गाइस हम लोग का। तो बात करें यहाँ पर अजगैबीनाथ मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, तो यहाँ से लोग अभी स्नान करेंगे, स्नान करके जल लेके बाबा पर चढ़ाएंगे, जल अर्पण करते हैं और बाबा पर चढ़ाते हैं। तो मिलते हैं गंगा स्नान करते हुए। हर हर गंगे हर हर महादेव। तो आप सभी श्रद्धालुओं को अजगैबीनाथ में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अभी हम लोग हैं अजगैबीनाथ महादेव मंदिर के पास, और ये रहा उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज का, और यहीं से जल उठाकर सारा कंवरिया लोग बाबा बैजनाथ को दर्शन करने के लिए जाते हैं। और फिलहाल में यहाँ पर हम लोग डुबकी लेते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर हर। फिलहाल में गाइज हम लोग का प्लान कार के था, और वहाँ पर हम लोग आज पहुँच नहीं पा के अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में आ गए। सब माया बाबा का कि ये सौभाग्य मिला आज का दिन हम लोग को जल अर्पण करने का। फिलहाल में चलते हैं गाइज। तो फिलहाल में गाइज हम लोग का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ अजगैबीनाथ महादेव का, और पीछे देख सकते हैं कि परफेक्ट सनसेट अभी हो रही है। और यहाँ से हम लोग निकल के अभी मुंगेर के वादियों में चलते हैं, क्योंकि मुंगेर एक्सप्लोर करना बाकी था, और अभी निकलेंगे जमालपुर के तवर। और देख सकते हैं ये रहा गंगा नदी जो उत्तर वाहिनी के रूप में बहती है, अब देख सकते हैं।
और इसी कारण यहाँ पर लोग जल उठा के अर्पण करते हैं। और ऐसा कहानियाँ हैं अजगैबीनाथ का कि जब अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे महादेव, तो यहाँ पर विश्राम किए थे, उसी दिन से यहाँ पर भगवान महादेव का पूजा किया जाता है। और भाई आज सौभाग्य मिला कि हम लोग आज शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जल अर्पण किए। और आज हम लोग का प्लान था जो कटिहार का था, और रिसेंटली क्या मन में चेंजिंग हुआ कि हम लोग डायरेक्ट सुल्तानगंज का मैप लग गया और फिर यहाँ आके गंगा स्नान हुआ, फिर भगवान का दर्शन हुआ, बहुत डिवाइन दर्शन हुआ। मंदिर प्रांगण में आप लोग को ढेर सारे मंदिर देखने को मिल जाएगा, तो बहुत खुशी मिली आज, मतलब बहुत सुकून मिला, एक डिवाइन भाई आ रहा है आज फिलहाल में। और कभी भी आप लोग गंगा स्नान करने आते हैं तो जो बरकेटिंग है उसे पार नहीं किया, क्योंकि यहाँ जब अभी नहा के आया, यहाँ पूजा पाठ करके आया, तो एक दुख खबरी सुनने को मिला कि यहाँ पर एक हमारे जैसा यंग लड़का आगे बढ़ने डूब के उसका देहांत हो गया, अभी तक उनका बॉडी नहीं मिला। तो इसी कारण कभी आप लोग भी आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान काफ़ी रखा जाए कि जो मार्केटिंग है उसे पार नहीं किया जाए। और ज़्यादा ये सोशल मीडिया के ज़माना में चमकाने का नहीं, चमकाया ये सब नहीं जाए तो बेटर रहेगा। हम तो फिलहाल में गाइस कभी सोशल मीडिया के ज़माना में झमकाने का कोशिश ना करें, और क्योंकि देखिए थोड़ा सा झमकाने के कारण उनका इस दुनिया से नाता टूट गया। तो फिलहाल में बात करते हैं आज अजगैबीनाथ महादेव मंदिर का, बेहद ही खूबसूरत जगह है। और जैसा कि ये जो सुल्तानगंज का घाट है, यहीं से जितना भी कंवरिया लोग हैं यहाँ से जल का अर्पण करते हैं, फिर संकलम कराते हैं और बाबा बैजनाथ का दर्शन को, बाबा बैजनाथ का जल अर्पण करते हैं। यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो गंगा जी है ये उत्तर वाहिनी के रूप में बहती है। तो फिलहाल में मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में, और ये खूबसूरती आप लोग देखो यार, और देखिए SDRF की टीम अभी तक लगे हुए है खोजने में, ये खूबसूरत सा वादियाँ हैं। मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में और फिर मुंगेर को एक्सप्लोर करते हैं। भागलपुर बेहद खूबसूरत था, थोड़ी सी अगर कमी थी तो वो रोड की थी, लेकिन देखिए भोलेनाथ की कृपा रहेगा तो रोड ही बन जाएगा। सतबुद्धि देंगे हमारे MLA MMP को।